आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते क्या बंदर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो। चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते हैं आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी से ये जो बाकी जाए आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्ला है और मेडिकल डॉक्टर हूँ और करेंटली जामियतुर रशीद के कुलियत शरिया डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दीदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच तान कर इनके अंदर हम आहंगी जाहिर करते हैं। दूसरी साइंटिफिक रेप्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फिलोसॉफिकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाली। तो आपसे आपको ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफेक्टिव आप किसको जानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है। अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेके एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते। भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस दावन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए और ये कुरान मजीद के खिलाफ है, तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें। एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसफिकल मत करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है। 3 अप्रोच है। मैं मानता हूं आखिरी अप्रोच में कि मेरे नजदीक क्योंकि ह्यूमन बींग इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट, अकॉर्डिंग टू मी ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नजदीक। मैं जानता हूं कि अभी पहले पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी पहले पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1-to-1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे, मैं चंद साल पहले की बात कर, लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, फिर एंड में बोलते हैं हमें सिर्फ एक चीज पे एतराज है कि हम बंदर से नहीं बने, वही तो बात पर डिस्कशन हो रहा है, तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है और आखिरी में बोलते हुए सब चीज सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने। मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये, और बहुत से लोग मेरे दोस्त है डाई है, मैं उनसे बोलता हूं भाई आप पहले बोलो, मैं कोई तरह से शुरू में तकदीर के बोलो आप बंदर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो। डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर, कुरान में कहता है, कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है अवलम यल्लजीन कफरू अन समावाती वल अर्ध कानत रत्न व जअलना मिन माई कुल्ला शयइन अफला व जअलना मिन माई, हमने सब चीज पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है लेकिन बुनियादी चीज तो सही नहीं भाई, बुनियादी चीज तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूं कि मंदिर से बने क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं, कुरान है हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है गलत है, आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते, 25% माशाल्लाह, 10% भी माने तो तुम्हें कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को, तो 25% बोलते नो डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूं तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है,
तो आप आखिर बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा बड़ा डायलॉग मारते, मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि हम बंदर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे, पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई, वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है, मुगला गलत है, मैं नहीं मानता हूं, और बोलेंगे भी ओ, मैं वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नायक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता ना, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो तो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए, हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे, डार्विन बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 की, के कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट, वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहि सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगे, बाइबल के अंदर लिखे आदम अलैहि सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना, वो प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल्स जो मिले दो, तो बाइबल से टकराते हैं बिल्कुल से। डार्विन थ्योरी आप देखेंगे फॉसिल्स हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया, तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है कुछ चीज नहीं मिलती है, और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो, और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है, तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए, कहीं अल्लाह का कलाम है, जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती गलत भी हो सकती, ये उसूल है। तो जहां तक के डार्विन थ्योरी वी अप्रोच साइंटिफिक, और मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, तो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में क्या था, तो मेरा आंसर जो देखेंगे जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है, इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीजें हमें पता चलती बाद में।